नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ स्टेशन पे। तो मैं आज एक बहुत से रेलवे में होने वाले एक प्रॉब्लम को आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ब्रेक बाइंडिंग जो होती है कैसे परेशान करती है, कैसे रेल को और व्हील को प्रॉब्लम कर सकती है। ये है टावर कार दोस्तों, ये टावर कार है जो कि रात में ही मेरे शिफ्ट में आया है, लेकिन इसमें एक्चुअली ब्रेक बाइंडिंग होने के वजह से ये जो है स्टेबल करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि अभी स्टेबल है, इसमें चेन्स लगे हुए हैं, ये स्कीड्स लगे हुए हैं। स्कीड है दोस्तों, आपको बता दूं कि ये स्कीड इसे बोलते हैं, ये वुडन वेज है। इधर भी वुडन वेज और स्कीड लगा करके इसे स्टेबल किया गया रात में ही। एक्चुअली दोस्तों इसमें जो है ब्रेक बाइंडिंग हो गया है, तो जिसकी वजह से ये आगे मूव करने में जो है मूव नहीं कर पाया, और इसकी वजह से इसे स्टेबल करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग क्या होता है और ये कितना ख़तरनाक है एक व्हील के लिए। तो ये देख सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पे जो है वेल्डिंग हो गया है। ये जब काफ़ी ज़्यादा ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होता है, और दोनों ये ब्रेक ब्लॉक जो है और व्हील में एक तरह से वेल्डिंग टाइप का हो जाता है। स्पार्किंग के वजह से, हीट के वजह से दोनों में वेल्डिंग हो जाता है। नीचे में देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको दिखाऊं तो ये वेल्डिंग हो गया है। तो ये जो है प्रॉब्लम होती है जब आपका ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है, इसमें गाड़ी की स्पीड जो है काफ़ी स्लो हो जाती है। और ये मेरे पॉइंट्समैन ने इसको पकड़ा, और जिसके वजह से हम लोगों ने इसको बताए लोको पायलट साहब को और ट्रेन मैनेजर साहब को, तो इन्होंने इसे रेक्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली नहीं कर पाए। तो अब जो है TXR ट्रेन एग्जामिनर जो हैं वो आएंगे और इसको रिलीज़ करेंगे दोस्तों। तो ये जो है ये काफ़ी एक सीरियस प्रॉब्लम है। जनरली जब हम लोग एक्सचेंज देते हैं, स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन जब एक्सचेंज देता है तो यही सब चीज़ ज़्यादा ऑब्जर्व करता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेक बाइंडिंग तो नहीं है। अगर ब्रेक बाइंडिंग होती है दोस्तों तो इसका जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और जिससे कि आपको दूर से ही पता चलता है, स्पार्किंग होते रहता है। आपको एक बार और दिखा दूँ कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तरह के वेल्डिंग टाइप का हो गया है। तो ये प्रॉब्लम होती है जब ब्रेक वाइंडिंग होता है, तो इस चीज़ को आप लोग भी ऑब्जर्व करें, जो कोई भी स्टेशन मास्टर है पॉइंट्समैन है तो इस चीज़ पे ध्यान दें कि देखिए इसका ब्लॉक जो है वो खा गया है लगभग काफ़ी ज़्यादा, तो इस चीज़ पे ध्यान दें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।